हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली सुजत रोड स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के शनिवार को राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटने पर ग्रामीणों व विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत किया गया। छात्रा कुसुम कंवर, भावना देवपाल, ललिता चौधरी, रेनू किरण चौहान, शारीरिक शिक्षक महेंद्र चौधरी, कोच दिनेश गहलोत को विद्यालय प्रधानाचार्य अर्चना चौहान, पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास, हीरालाल मारू, कमल सोनी, दिनेश जाट, हितेश, अजय, विनोद, दिलीप जाट, योगेश वैष्णव, पूरन जाट आदि ने छात्राओं को सम्मानित कर अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ से अनीता दवे, मूला राम, राम नारायण, हेमराज, सीमा त्रिवेदी, इंदु, आशा आदि ने भी छात्राओं का बहुमान किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्रधानाचार्य अर्चना चौहान, इन्होंने ये कहा, पधारे हुए अतिथि, पत्रकारगण और सभी शिक्षक, सारे बच्चे, आप सभी को ध्यान है कि जब से महेंद्र जी सर जुलाई में इन्होंने ज्वाइन किया था और जब से आए हैं तब से एक ही इनका लक्ष्य था कि कहीं ना कहीं मैं फुटबॉल को इस सोजत रोड में फिर से लेके आऊं, फिर से जगाऊं। और ये जागना एक महिला या बालिकाओं की तरफ से हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जहां महिलाओं को सेकेंड नंबर पर माना जाता है कि नहीं, फर्स्ट प्रोग्रेसिव जो भी है, पहला मौका लड़कों को मिलता है, देखा होगा, है ना, महिलाएं जनरली अवसर पाने में सेकंड नंबर पे होती है या नहीं होती है। तो ये यहाँ इस छोटे से ग्रामीण एरिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई खेल जो गुम हो गया था पिछले 10 से 15 साल पहले से ही, बॉयज़ में ही गुम हो गया था, कोई नहीं इसका प्रतिनिधित्व कर पा रहा था, और हम जिला और राज्य स्तर पर इसका प्रतिनिधित्व बालिकाओं के द्वारा करवा के लाए हैं, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये गर्व बार बार हम सभी अपने समाज और परिवार को करवाते रहेंगे। हम अपने खेल और शिक्षा में उपलब्धियां निरंतर सामने लाते रहेंगे कि हमारे समाज, परिवार, विद्यालय सभी को मजबूर होना पड़ेगा कि बार बार हमें सम्मानित किया जाए, हमें आगे लाया जाए और हमें प्रथम मौका दिया जाए अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ में है, आपके हाफ एयरलीज आ रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ रही है, आप डट कर शिक्षा ग्रहण करें, अपने जो भी पढ़ा है उसको समझें, याद करें और वो प्रतिभा भी आप इसमें दिखाएं। प्रतिभाएं तो हम दिखाते रहे हैं, अभी तक खेल में नहीं दिखाई है, तो प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय की बच्ची शैक्षिक तौर पर भी उन्नत निकलती है। जो हमारी राज्य मेरिट है उसमें भी इस बार की जो बच्ची है हर्षिता सोनी, वो 95% के साथ कला वर्ग में, आर्ट्स फैकल्टी हमारे यहाँ है, कला वर्ग का उत्कृष्ट परिणाम हम लोगों ने दिया है, वो बेस्ट है हमारे यहाँ की, जितनी भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है उसका बेस्ट रिजल्ट हमारे विद्यालय के लिए। पीछे कहीं भी नहीं है, हमारा प्रयास है कि हमेशा उत्कृष्ट, हर श्रेणी में उत्कृष्ट परिणाम दे पाए। आपकी शुभाशीष रहे, आपका आशीर्वाद रहे हमारे बच्चियों पे और हम इसी तरह से निरंतर प्रगति करते रहे। जागरूक टीवी के लिए पाली से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।